हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। सो बच्चों, यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जो फोर्थ लिस्ट है वैकेंट की, वो आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड लिस्ट तक का इनका प्रोसेसर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, और अभी यहाँ पे फोर्थ लिस्ट की भी वैकेंट सीट आ चुकी है। अब यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हैं कि मैम हम यहाँ पे कैसे एडमिशन लें, क्या हमारा एडमिशन हो सकता है, क्योंकि वैकेंट सीट की जो हमने लिस्ट देखी है उस लिस्ट को देख करके तो भैया हमारे बिल्कुल होश उड़ चुके हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैम यहाँ पे एडमिशन होगा नहीं होगा, क्योंकि इनके पास सीट एज सच इतनी अवेलेबल नहीं है जितनी यहाँ पे हमारे मार्क्स हैं। तो फिलहाल हम इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और हम एक एक चीज़ समझेंगे। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सैटेलाइट सेंटर अमेठी में है उसकी भी यहाँ पे जो लिस्ट आई हुई है एक बार आप देख लीजिएगा, जिनकी जिनकी लिस्ट नहीं आई हुई है। देखो, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिख के आ रहा है, इसका मतलब समझ लो कि अभी इन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ है। जैसे ही कोई लिस्ट यहाँ पे अपलोड होगी, मैं आपको तुरंत तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि जब भी यहाँ पे राउंडिंग या पेड सीट पे कुछ भी एडमिशन हो रहा है उसके बारे में मैं आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पे नोटिफिकेशन दे पाऊँ। तो फूड एंड न्यूट्रिशन की जो यहाँ पे वैकेंट लिस्ट आई हुई है, एक बार हम इसको समझते हैं और यहाँ पे हम पूरा बताएंगे कि अगर आपके इतने मार्क्स होंगे तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर आपके इतने मार्क्स नहीं होंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इनकेस कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो ये लिस्ट आई हुई है, UREWS SC ST की यहाँ पे वैकेंसी सीट बताई गई है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे 3, 4, 11, 3, मतलब ऐसे आप देखोगे UR के भी 3 सीट वैकेंट है, EWS की 4 सीट वैकेंट है, SC की यहाँ पे 11 सीट वैकेंट है, और ST की यहाँ पे 3 सीट वैकेंट है। यहाँ पे देखो भैया, हम आपको बता दे रहे हैं कि लास्ट अगर कट ऑफ गया हुआ है, हम आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर आपका यहाँ पे लास्ट कट ऑफ गया हुआ है 153, अगर आपका लास्ट 153 कट ऑफ गया हुआ है, अगर आप इनकेस 145 मार्क्स पे हो तो समझ जाना कि आपका UR में एडमिशन हो सकता है। इवन मैं कहीं ना कहीं अप्रॉक्स ये मिनिमम चांस बता रही हूँ, ये जो बता रही हूँ ये मिनिमम चांस बता रही हूँ, ये जो अभी बताने जा रही हूँ। अगर आपके 140 मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं देखो 140, 135 अगर मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं आपका तब भी चांस बन सकता है, अगर बीच के जितने बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे यहाँ पे छोड़ दिए इस सीट को, तो आपका यहाँ पे चांस बन सकता है जो बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट बचेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि इन केस आपका 120 है, 120 मार्क्स पे लास्ट कट ऑफ पे गया हुआ था यहाँ पे इसका EWS का एडमिशन हुआ था, 120 मार्क्स पे आपका था तो यहाँ पे एडमिशन हो गया था। अब हमने बोल दिया कि आपके मार्क्स तो यहाँ पे मैम हमारे मार्क्स तो यहाँ पे हमारे कितने 100 है, हमारे मार्क्स तो मैम 100 है, अब हम क्या करें, हम यहाँ पे क्या एडमिशन होगा। तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे 4 सीट वैकेंट है, ठीक है, 4 सीट वैकेंट है, बीच में कोई 4 बच्चे आएंगे, 4 बच्चों के आएंगे, और वो जो 4 बच्चों के नाम आएंगे वो 120 के ऊपर ही थोड़े से होंगे, इर्द गिर्द होंगे, ठीक है, मतलब अगल बगल होंगे। तो वो जो बच्चों के नाम आएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी जो लिस्ट आएंगी ना बेटा, अब देखिए ये 4 सीट बची हुई है, अब 4 सीट पे बच्चों को काफी बुलाया जाएगा। अब जो काफी बच्चों को बुलाया जाएगा, जैसे 4 सीटें हमने मान लिया कि 1 सीट पे मान लिया 2 सीट, 2 बच्चों को बुलाया जाएगा। वैसे तो हमने जो नोटिस देखी थी, जैसे हमें जहां तक पता चला था ऐसा कि मतलब यहाँ पे हो सकता है कि जो बच्चे हैं यहाँ पे 1 सीट पे 10 बुलाए जाए, लेकिन सच अभी लोगों ने ऐसा इस नोटिस को वो कर दिया है, एक सर ने भी मुझे बोला था कि कोई जरूरी नहीं है कि अंकिता यहाँ पे 1 सीट पे 10 बच्चों को बुलाया जाए, हो सकता है यहाँ पे 3 बच्चों को भी बुला लिया जाए, हो सकता है 2 बच्चों को भी ले लीजिए, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 5 बच्चों के लिए भी यहाँ पे आपको बुला लिया जाए, ठीक है। तो देखो, अगर 5 बच्चे आएंगे, यहाँ पे 1 सीट उसने ले ली, 4 बच्चे बचे, 4 बच्चे को क्या बोला जाएगा कि भाई आप क्या पेड सीट के लिए अवेलेबल हो, पेड सीट में इंटरेस्टेड हो, अगर आप पेड सीट के लिए इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, तो उनको एडमिशन मिल जाता है। और अगर इनकेस नहीं, तो भैया जो यहाँ पे जैसे अगर इनकेस एक बच्चे ने भी एडमिशन नहीं लिया, तो अगर ये सीट वैकेंट हो गई तो बेटा स्पॉट राउंड 2 जब होता है तो स्पॉट राउंड 2 टाइम पे वो चली जाती है, सेकंड जो वैकेंट लिस्ट होती है वो सेकंड स्पॉट राउंड में चली जाती है। स्पॉट राउंड जो सेकंड होने वाला होता है उसमें भी अगर सीट रह जाती है तो वो जितनी भी सीट्स हैं उनका जो वो सारी सीट्स निकाली जाती है नॉन CUET वाले बच्चों के लिए। जो नॉन CUET वाले बच्चे हैं जिनका नवंबर दिसंबर टाइम पे यहाँ पे फॉर्म निकाला जाता है कि अगर यहाँ पे सीट वैकेंट होगी तो नॉन CUET वाले जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको मैं क्लियरेंस दे रही हूँ, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दे देना, इनकेस डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलो, अब हम अगर बात करें कि और मैम कितना क्या, जैसे देखो ये सारी आप ना आप अपने कितने नंबर को माइनस करना, 150 है अगर मान लेना कि यहाँ पे 5 से 6 नंबर को माइनस कर लेना जितना बन रहा है, तो उतना तो बिल्कुल डेफिनेटली समझ लेना कि हो सकता है। 11 है, जैसे यहाँ पे 11 है तो 150 अगर लास्ट गया हुआ है तो यहाँ से 11 नेम को माइनस, 11 नंबर को माइनस कर देना, 11 नंबर को माइनस करने के बाद आपका बन रहा है तो हो जाएगा। और इवन 20 आप 20 तक का बच्चा, देखो सिलेक्टेड लिस्ट आई हुई थी, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट
बताई हुई थी उन लिस्ट में देख लेना कि किस उसके बाद आपका नाम कितने उस पर है, अगर आपका नाम है तो कितने आपके नीचे बच्चे हैं या ऊपर बच्चे जो भी बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं, ठीक है। तो उतने मार्क्स पे 11 बच्चों को हटा देना, उन 11 बच्चों को हटाने के बाद आप सोच लेना कि क्या आपका एक्सपेक्टेड चांस बन सकता है या नहीं बन सकता है। इतना आप कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक्सपेक्ट है वो कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लॉ की सीट देखें तो लॉ पे भी कुछ ऐसा ही है, तो मतलब जितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट हो रही है ना तो उन सीट के अकॉर्डिंग आप अपने कुछ कुछ नंबर, जैसे हमने बोला कि कितने नंबर माइनस करके देखना है, 4 से 5 नंबर माइनस करके, जैसे हमने बोल दिया कि 150 इनका लास्ट गया हुआ था, लॉ वाले का 150 लास्ट गया हुआ था, अब 150 लास्ट गया हुआ था, यहाँ पे सीट कितनी है, 4 वैकेंट है, तो मतलब हमने बोल दिया कि 149 या 148 147 146 वाले बच्चों का यहाँ पे नाम दे दिया गया, ठीक है, मान लेते हैं। वैसे तो आप वैकेंट सीट के जो यहाँ पे बेसिकली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकली थी ना वो सारी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट देख लेना कि आपके पहले कितने लोग हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 4 बच्चों के जो नाम आए हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे भी वेट कर रहे हो इस यूनिवर्सिटी का, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चे जो है हो सकता है कि बाद में भी एडमिशन लें, मतलब वो कहीं और एडमिशन ले चुके होंगे, तो वो सीट आपकी खाली रह जाएंगी, वो सीट क्या पता आपको मिल जाएंगे अगर आपके मार्क्स कम हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे होता है, ये वैकेंट सीट को कैसे हम काउंट करते हैं कुछ इस तरह से हम देखते हैं। ऐसे अगर हम जूलॉजी का देखें तो जूलॉजी का भी कुछ इसी तरह से निकला हुआ है कि इनके पास सीट जो है वैकेंट है 12, देखो पेड सीट 12 है इनके पास अवेलेबल, ठीक है। वैकेंट सीट देखो इनके पास जो जूलॉजी है 8 है, एससी की 3 है, एसटी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, टोटल 19 सीटें अभी भी इनके पास पेड सीट अवेलेबल है जूलॉजी में। लाइफ साइंसेस जो है वो खुद में ही अपना एक वो कोर्स है, पेड कोर्स है, तो यहाँ पे भी 9 है, 10 है, 5 है, ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है, 0 है, टोटल यहाँ पे 22 अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी ऐसे ही आप गेस कर सकते हो कि कितना क्या यहाँ पे चांस बन सकता है। एम ए योगा का भी नहीं आया हुआ है, एम ए एजुकेशन का भी नहीं आया हुआ है, प्लस एम ए संस्कृत का भी नहीं आया हुआ है, एम एस सी योगा का भी वैसे नहीं ही आया होगा, यस अभी इसका नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। इकोनॉमिक्स का आ चुका है, इकोनॉमिक्स में आप देख लो कितनी सीट्स वैकेंट हैं, और यहाँ पे जो सीट वैकेंट है वो 12 है, ओबीसी ओपन कैटेगरी मतलब यूआर की, एससी की 13 है और एसटी की 6 है, 0 है पीडब्ल्यू इसकी, ईडब्ल्यूएस की, पीडब्ल्यूडी की नहीं है, तो टोटल 31 सीट वैकेंट है। आपके मार्क्स जो हैं उसमें से इतने नंबर माइनस कर देना, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका चांस बन सकता है कि हो सकता है यहाँ पे एडमिशन हो जाए। अब देखो जो स्पॉट राउंडिंग होगी ना, स्पॉट राउंडिंग एक हफ्ते बाद तक का शुरू होने का चांस हो सकता है, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे वीवीयू में हमेशा लेट होता है, तो हो सकता है कि अभी इनके पे टाइम लगे, अभी जब टाइम लगेगा, जब इनका टाइम पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको खुद बता देंगे कि कब तक मिल सकता है। वैसे एक हफ्ते तक वेट कर सकते हो, एक हफ्ते के अंदर भी आ सकता है, एक हफ्ते के बाद भी आ सकता है, हो सकता है, लेकिन एक हफ्ते तक ही इंतजार कराएं, उसके बाद आपका यहाँ पे ये प्रोसीजर करा सकते हैं, क्योंकि भैया इनको अभी कराना है यूजी वाले बच्चों का भी, तो इन पे वो चीज़ का भी बर्डन है। वैसे उनको बच्चों को भी आगे तक का वो झिलाएंगे, अभी बहुत टाइम तक का उनका भी वो वेट कराएंगे, लेकिन आपका जो है यहाँ पे वो देखना है। यूआर का भी 20 सीट यहाँ वैकेंट सीट एक है, अच्छा ओके, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सीट वैकेंट है, एससी का 7 है, एसटी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का कुछ भी नहीं है, पीडब्ल्यूडी का भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपको यहाँ पे सबका चेक करना है। एक बार हम बीएड का एक बार चेक करके आपको बता देते हैं कि कितना क्या यहाँ पे प्रोसीजर बेसिकली है क्या नहीं है, एक बार हम बीएड का चेक कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इस बारे में भी कई सारे बच्चे पूछ चुके थे, एक बार हम बीएड का बता देते हैं। देखो यूआर का यहाँ पे है 10 और एससी का है यहाँ पे 5, एसटी का यहाँ पे 3, ईडब्ल्यूएस का है 7, यूआर का कहीं ना कहीं 100 तक निकल गया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 10 मतलब 10 नंबर भी माइनस कर दोगे, जैसे 10 उस पर 90 मार्क्स होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके चांस बन सकते हैं, जैसे 100 मार्क्स से हुआ था पिछली बार आपका, अगर 90 मार्क्स है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चांस बन सकते हैं, क्योंकि अभी सीट इनके पास 10 वैकेंट है, और कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे ले लें, है ना। तो नीलेश, रवनीत, इन सारे बच्चों का हो सकता है एडमिशन हो जाए, रवनीत का तो मैं चाहती हूँ भाई हो जाए, बहुत सारे बहुत बच्चे परेशान है, वैसे ऑलमोस्ट हम बच्चों का चाहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए, तो एक बार देख लेना जो मैंने आपको बताया था, 10-20 नंबर अपने में से माइनस करके जितना बन रहा है, तो आप अप्रॉक्स एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है। अब इनकेस कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होते तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। आपको नॉर्मली यहाँ पे वैकेंसी जो है हर एक उसकी वैकेंसी लिस्ट को डाउनलोड करके देख लेना है कितनी क्या लिस्ट बची हुई है। केमिस्ट्री का देख लो, यहाँ पे केमिस्ट्री की सीट कितनी वैकेंट है, यहाँ पे भी अनरिजर्व की 12 है, अभी एस सी एस टी का खत्म हो चुका है, ईडब्ल्यूएस का भी नहीं है, अनरिजर्व का अभी 7 यहाँ पे अवेलेबल है, ये क्या दिया हुआ है, और ईडब्ल्यूएस का 1 है ऐसे, अच्छा ये है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, ये पेड सीट है और ये नॉर्मल है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी देखो यहाँ पे भी सीट वैकेंट है, तो आपका चांस बन सकता है, तो आप एक बार वेट कर लो, देखते हैं कि क्या होता है आगे का प्रोसीजर। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैकेंसी यू आर की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, एससीएसटी का 8 है, यूआर का 4 है और इसका 1 है, मतलब ये पेड सीट है और ये नॉर्मल सीट है, नॉर्मल पैसों पे जो मिलेंगे। तो ये कुछ सीट है, फार्मेसी वाले बच्चे जो हैं, फार्मेसी वाले का भी अलग से एक वीडियो बनेगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ओके। अब कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और बिल्कुल परेशान, बिल्कुल पैनिक, बिल्कुल चिंता में मत रहना,
हम आपको बताएंगे कि अभी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि कोई भी अभी अपडेट जो है ना वो मिस ना हो। बाय बाय।